हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी जो है वो एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं एक बार फिर, जिसका नाम है एसएन। अभी पिछले महीने भी उन्होंने 5 लाख तक के स्कॉलरशिप दी थी इसमें, और इस महीने जनवरी में भी दोबारा से ये कंडक्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा था। तो एसेंट है क्या एक्चुअल में? एसेंट इज अ ऑल इंडिया चैंपियनशिप सीरीज है, जिसमें आप जो है 5 लाख तक के स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो टॉप रैंकर होकर। आपको जस्ट करना ही क्या है, अपने सारे एनसीईआरटी के सिलेबस को जस्ट गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। और 6 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए, ये खाली 12th के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी हो सबको बता सकते हो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, 30 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। 1 घंटे का होगा, 11 बजे से 12 बजे तक। और कब होने वाला है? डेट तो मैंने आपको बता दी है, 10 जनवरी को होने वाला है ये। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई चार्जेस आपके लिए नहीं रखे गए हैं, क्योंकि ये बस ये सोचा जा रहा है कि बच्चों का रिवीजन हो जाए अच्छे से और वो कुछ कर पाए अपने सब्जेक्ट को लेकर स्ट्रांगली। इसके लिए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, रिवीजन सीरीज की तरह। तो बस आपको क्या करना है, 1 घंटे का रिवीजन टेस्ट टाइप का देना है, जिसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग तो हो नहीं रही है। आपको अपना पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना किस्मा रह गया है वो भी पता चल जाएगा। साथ साथ आप चांसेस हैं अच्छी स्कॉलरशिप जीतने के भी, है ना? तो क्या करना है इसमें, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है सबसे पहले, और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जाना है, लिंक खोलना है। अब वो लिंक जो है वो हो सकता है एक इनवाइट कोड मांगेगा, देन आप डाल देंगे डीएसएल क्लासेस और वहां पर अपने आप को एनरोल करेंगे पहले। तो उसमें ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर वगैरह जो है ये सब देना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहे। एंड गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको एसेंट देखना है, एसेंट में आपने ज्वाइन करना है, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है आप फ्री क्लास कोई देखना चाहें, जैसे स्पेशल क्लास कोई वहाँ की अच्छे एजुकेटर्स हैं तो उनकी कोई फ्री क्लास देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनवाइट कोड डालना होगा डीएसएल क्लासेस। देन आपका जो है वहाँ पर जो अनलॉक हो जाएंगे आप, और आप कोई भी चीज आराम से वहाँ स्पेशल क्लास सीरीज एसेंट कुछ भी अटेंड कर सकते हैं, या कैरियर क्विज जैसे अभी हुआ था वो भी देख सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द अन अकेडमी एसएन जो मैंने आपको बता दी। आप जरूर ज्वाइन करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितनी कौन सी स्कॉलरशिप मिली। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कि हमारी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी कैसे रहे। जनवरी आ गया है, नया साल आ गया है, 2 महीने रह गए हैं सिर्फ, जो वो भी 2 महीने तब जब उन्होंने हमें, एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें कह दिया कि फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होगा, देन हमारे पास कैलकुलेटेड 2 महीने हैं, अदरवाइज हमारे पास 1.5 महीना ही रह गया था। तो जनवरी से यदि हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, तो कैसे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, या फिर मैं आज की स्पेशल वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए जिनके जिनको पढ़ने मरने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता कि हमें 90 मार्क्स ही चाहिए, एक्चुअल में उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स की जरूरत है कि हाँ हमारे 35-40 आ जाए, देन प्रैक्टिकल मिला के हमारी डिस्टिंक्शन बैठ जाएगी, चलो हमारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो इस टाइम अवेयर हो जाए कि ये टाइम अब वेस्ट करने का नहीं रह गया, 1.5 महीना रह गया आपको, 2 महीने रह गए, जब आपकी प्रिपरेशन अब फुल टू हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी घबराहट हो रही होगी कि हम कैसे करें, केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि भाई हम 2 महीने में अपना मार्क्स कवर अप कर लें, स्ट्रॉन्ग बना लें और किसी से डांट भी ना पड़े, ना पेरेंट्स से ना टीचर से। तो मैं आपको जरा जल्दी से बताती हूँ, एक जस्ट गो थ्रू होते हैं और फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ चीजें। केमिस्ट्री का जो टोटल वेटेज है वो 70 मार्क्स का है,
अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, 2 महीने आप 70 में से 70 तो नहीं ला पाओगे। क्यों, मैं सीधी सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं कि भाई बहुत मेहनत करने के बाद भी 70 मार्क्स केमिस्ट्री में लाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो यदि हम पूरे वेटेज की बात करें, 70 मार्क्स हमारे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारी 23 मार्क्स की होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 28 नंबर की है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 19 नंबर की आती है। ठीक है, आई थिंक ये सबको पता होगा, 23 मार्क्स, 28 मार्क्स एंड 19। अब हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स का जो यहाँ पार्ट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 28 नंबर की है ना। और कुछ लेसन हमारे कट भी गए हैं, जैसे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ नहीं है, पॉलीमर नहीं है सेकेंड बुक में, तो स्टिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 लेसन आपके जो है वो 28 मार्क्स के हैं, और फिजिकल में भी एक दो लेसन जैसे आपके 5 लेसन आते हैं तो 23 मार्क्स के हैं। इनऑर्गेनिक में भी आपके एक लेसन कट गया है एक्सट्रैक्शन वाला, और पी ब्लॉक आपका 12 नंबर का आ रहा है, और डीएफ जो है एलिमेंट्स है उसमें, तो एक लेसन तो वहां भी कट चुका है। तो डिडक्टेड मटेरियल आपको मालूम ही होगा कौन कौन सा मटेरियल जो है वो कट गया है। चलिए बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपके मार्क्स जो है वो 45 से नीचे ना जाए, 40-45 से नीचे बिल्कुल ना जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी भैया सिलेक्टिव स्टडी कर लो कि जो भी आपको स्टडी करना है, ये सारा तो आपसे कोर्स हो नहीं पाएगा। मैं सही बताऊं कि ये पूरा आप सोचो 2 महीने में हो जाए तो पूरा बिल्कुल एक एक पॉइंट नहीं हो सकता। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट बात कर रही हूँ। यदि हम सिर्फ पासिंग का ही एम बनाए हुए हैं कि पहले भैया पासिंग मार्क्स तो ले आए और उसके बाद हम उससे हायर वन की बात करेंगे, तो पहले उस पर फोकस करिए कि भाई पास तो हो जाए, 23, 25, 27 मार्क्स तो आ जाए हमारे हाथ में, 30 मार्क्स तो आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले सिलेक्टिव स्टडी करनी होगी। सबसे पहले उन चैप्टर्स को पिक कर लो जो बहुत आसान है, जैसे फिजिकल में 2 लेसन ले लो सॉल्यूशन, और दूसरा लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इजी है, दोनों बहुत आसान चैप्टर हैं। तो 9 नंबर तो आपके 9-10 नंबर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। इवन न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, स्ट्रेट क्वेश्चन ही सॉल्यूशन का आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से या राउट्स लॉ से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बहुत से स्ट्रेट न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें ज्यादा कोई भी घुमाने वाली चीजें नहीं है इतनी, थ्योरी भी बहुत आसान है इसकी। तो मतलब ये है कि यदि आप सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 फिजिकल में से पिक कर लेते हो तो आपके 10 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। एंड पी ब्लॉक 12 नंबर का है इस बार जो सैंपल पेपर में दिया है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5-6 नंबर का दिया हुआ है। तो इनऑर्गेनिक में यदि तुम पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड तैयार कर लेते हो तो 12 और 7 19 12 और 6 18 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो 10 और 18 हो गए आपके 28 नंबर। एंड देन अल्कोहल और एल्डिहाइड, यदि ऑर्गेनिक में से सिर्फ 2 पार्ट्स कर लो अल्कोहल और एल्डिहाइड, तो यदि ये दोनों कर लेते हो तो भी आपके कम से कम 12-13 नंबर यहाँ भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्कोहल बहुत आसान है, अल्कोहल इसी से कनेक्टेड है एल्डिहाइड से। तो इन दोनों को यदि पिक कर लोगे तो आपके मैक्सिमम ऑर्गेनिक में मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास, तो ये 15 के करीब, 10 से 15 के करीब यहाँ मान लो कि आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो राउंड अबाउट यदि मैं सबके लगाऊं 10 एंड ये हो गया 18, 28, और यदि इसके मैं 12 भी लगा लूं तो लगभग आप 30 मार्क्स पर यहाँ पर इन चैप्टर्स को करके आ चुके हो। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा और काम हो गया। जब आप सेलेक्टेड स्टडी करते हो, जब आप सेलेक्टेड चैप्टर तैयार करते हो, तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को अच्छे से याद करना होता है, एक एक लाइन को रट्टा मारना होता है, कुछ भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए जहां से क्वेश्चन बनता हो। तो इसलिए अपनी टॉपिक, जितने भी आपने सिलेक्टेड टॉपिक लिए 6 मान लो, तो 6 को ही आप इतने अच्छे से तैयार करोगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, चाहे वो थ्योरी का हो या वो न्यूमेरिकल हो या रीजनिंग क्वेश्चन हो या स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, ठीक है। और इसके लिए तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि ये काम कर ले, ये क्वेश्चन कर ले, वहां से उठा ले, मैम ने कह दिया कि ये वाले 2 6 लेसन कर लो तो 10 बुक्स उठा ली, नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी
और उसकी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ दूसरे पार्ट के भी आ सकते हैं, दूसरे टाइप से भी मतलब न्यूमेरिकल घूम सकता है, तो इसलिए एग्जाम्पलर को करना साथ में बहुत जरूरी है। और बाकी तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें रट जानी चाहिए अच्छे से, तो ये भूलना नहीं है बिल्कुल इस चीज को, कि बस सेलेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि उसको भी सेलेक्टेड कर लिया तो उसमें से भी छांट छांट के पढ़ रहे हैं कि ये आता है ये नहीं आता है मुझे, तो छोड़ दो कोई बात नहीं, मैम ने कहा 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। नो, 30 नंबर तब खरे आएंगे जब आप उसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड अपने जहन में दिमाग में बिठा लोगे और कोई भी क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर सकते हो, तब आएंगे। एंड देन थोड़ा भैया अपनी राइटिंग पार्ट पर भी काम कर लो, राइटिंग ऐसी बना रखी होती है कि बिल्कुल समझ नहीं आता है किसी को। अब एक प्रॉब्लम ये भी आती है बच्चों को कि हम करें कैसे, हमें याद ही नहीं रहता है, हम सॉल्व तो करते हैं लिखते, एक बार कर लिया हमने, पढ़ लिया देख लिया, और उसके बाद हमें याद ही नहीं रहता, हम बार बार क्या करें इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया एक तो तुम्हें जो सिलेक्टेड टॉपिक दिए हैं उसको रिटर्न वर्क, उसका रिटर्न में काम करो, उसको प्रैक्टिस करो राइटिंग पार्ट में, और लगातार उनको रिवाइज भी करते रहो। 2 महीने है तुम्हारे पास, 2 महीने उन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करो, बार बार लिखो, बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के देखो, लिख लिख के न्यूमेरिकल करो। पढ़ना नहीं है खाली कि नजर से निकाल दिया हो गया काम, नहीं, लिख के भी देखना है उन चीजों को, प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, बार बार लॉज वगैरह कुछ भी है फॉर्मूला है उनको बार बार रिवाइज करना है। तो छोड़ना नहीं है कि एक बार करके काम खत्म, नहीं, उसको बार बार रिवाइज करते रहना है दिमाग में। एंड कम से कम 5 साल के ये जो इन्हीं टॉपिक के जो 5 साल के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर कर लेना। 10 ईयर्स नहीं कह रही हूँ कि बहुत पीछे चले जाओ, 10 ईयर्स कर लो पूरे उठा के, कम से कम भैया 5 साल के पेपर तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को एक बार करके देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से आते हैं। बिना प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन की वेरिएशन किए तो आप नहीं उन 5-6 लेसन को भी नहीं कर पाओगे। तो एक वे होता है करने का कि 6 लेसन यदि आप कर भी रहे हो सेलेक्टेड वाले, ये 6 लेसन उठा भी रहे हो, इन दैट केस भी आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी करी सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है उसको लिख लिख के देखना है बार बार, एंड तीसरा फिर उसके 5 साल के जो क्वेश्चन उसी उन्हीं 6 लेसन के हैं उनको जरूर करके देख लेना है एक बार, ठीक है। यदि ये तुम मेरा कहना मान लेते हो कि ये सब हमने कर लिया, हम कर रहे हैं, तो 100% आई एम श्योर कि आपको पास होने से और 30-40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ यदि अभी भी कुछ दिक्कत लगती है कि नहीं हमें तो फिजिक्स, आप एक भी और भी अपना सकते हो इसके अलावा, जो मेरा दूसरा मेथड है कि आप क्या कर सकते हो कि आपको यदि ऑर्गेनिक में दिलचस्पी है ज्यादा कि आपको ऑर्गेनिक समझ आती है, तो आप पूरी चारों चैप्टर 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के उठा के 28 नंबर पक्के कर सकते हो, फिजिकल पूरी उठा लो 23 नंबर वहां पक्के हो जाते हैं तुम्हारे, और इनऑर्गेनिक तो रट्टा मारने की कहते हैं सब, जैसे हालांकि कुछ चीजें समझने की भी है उसमें रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह, लेकिन 50% उसमें लर्न भी करना है, तो 19 नंबर तब वहां खड़े हो जाते हैं, तो किनारे पर तो वहां भी आ जाते हो 23 के आसपास, है ना। तो आपकी चॉइस है ही, आप कौन सा पैटर्न अपनाना चाहते हो, ये सिलेक्टेड चैप्टर करना चाहते हो जो मैंने आपको एक प्रोवाइड कर दिया कि ये चैप्टर कर लो और आपके 30 नंबर आ रहे हैं, या फिर आप ये करना चाहते हो कि आप जो है पार्ट वाइज उनको रेडी करना चाहते हो। ये मेथड भी बहुत अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस का सब्जेक्ट पार्ट कौन सा है। यदि आपका फिजिकल पार्ट अच्छा है और स्ट्रांग है, आप मैथ्स अच्छा कर लेते हो एंड समझ आ जाती है न्यूमेरिकल की ट्रिक्स जो है, तो आप पहले पूरा फिजिकल के 4-5 लेसन उठा के फिजिकल तैयार कर लो, देन जो टाइम बचे उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के 1-2 चैप्टर उठाना। तो इसमें हेल्प करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है, डीएसएल क्लासेस ने अपना एक ऐप डाउनलोड किया, सॉरी ऐप लॉन्च किया, ठीक है। हमने डीएसएल क्लासेस के नाम से ही ऐप बनाया है आपके सपोर्ट की प्यार की, जैसे आपने इस चैनल को आपने प्यार दिया है ऐसे ही उस ऐप को भी अपना सपोर्ट दिखाइए। ये लिंक है इसका, और ये इस टाइम ही मैंने क्यों किया है लॉन्च, ये भी रीजन बता दूं, क्योंकि इस टाइम
आप जैसे बच्चों को बहुत जरूरत है, जिन्हें बिल्कुल घबरा गए हैं, टीचर का कांटेक्ट नहीं हो पाया है 8-9 महीने से, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप से हम छोटा सा कोर्स पिकअप कर ले और हमारे 30-40 मार्क्स जो है उसमें आ जाए, या हमारा जो है रिवीजन पूरा प्रॉपरली हो जाए। तो ये दो बच्चे मतलब अच्छा लेवल कर चुके हैं, उनके लिए भी है, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं है, वो उनका रिवीजन पार्ट वहां पर हो जाएगा। तो मैं एक क्रैश कोर्स यहाँ पर डालने वाली हूँ, 2 तारीख से 2 जनवरी को क्रैश कोर्स आ रहा है इसके ऊपर, फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास आप लोगों के लिए। तो ये आप ले सकते हो, आप इस लिंक से ज्वाइन करो, ऐप डाउनलोड करो और उस क्रैश कोर्स को लो। ये 15 जनवरी को आपका ऑर्गेनिक का आ जाएगा और इनऑर्गेनिक का आ जाएगा, और अभी 2 जनवरी को पहले फिजिकल का लॉन्च हो रहा है। इसमें डीएसएल क्लासेस के जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है, उन्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड साथ साथ जो अभी क्योंकि नया साल चढ़ गया है, चढ़ने वाला है, कितने दिन रह गए नए साल को? कितने दिन रह गए हैं नए साल को? सिर्फ 2 दिन रह गए हैं नए साल को। तो नए साल को के हिसाब से भी आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि भगवान करे नया साल आपका 2 महीना है, जनवरी का फरवरी का, आपका इतना अच्छा जाए, आप इतनी मेहनत करें कि आपके मार्क्स, मैं तो 40 कह रही हूँ, आपके मार्क्स 70-80 आए, ज्यादा आए, उससे भी ज्यादा बढ़ के आए। तो आप ये डीएसएल क्लासेस का यदि कोड यहाँ पर डाल दोगे, वहां पर ऐप में लिंक जो हमने दिया है, तो आपको न्यू ईयर का भी डिस्काउंट मिलेगा। वही फर्स्ट वाली बात है कि जो जितनी जल्दी आएगा उतनी ज्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जो इसका फायदा उठाओ, क्रैश कोर्स जो आने वाला है, और मैं बार बार कह रही हूँ ये आपको अमेजिंग पार्ट है इसमें फिजिकल का, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, उस जो मैं सिलेक्टेड पार्ट मैंने वीडियोस ही डाल रही हूँ उसमें आप समझाएंगे, हम उसको पार्ट को समझाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रट्टा ही मारना है, समझाया भी है उसको, तो आप उसको समझिए और उसे लर्न करिए, बस आपको इतना काम करना है। और बहुत सेलेक्टेड है, बहुत ज्यादा मिनिमाइज्ड है, जो जिसमें से 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ठीक है, आई थिंक आप सब मेरे साथ ही हैं इसमें, और 2 जनवरी को ये लॉन्च होने वाला है, ध्यान रखिएगा डेट इसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय एवरीवन।